हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया एकदम। चल रही पढ़ाई लिखाई। पिछला लेक्चर आपने देख लिया जिसमें हम लोग एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना होता है उसके बारे में देखे थे और स्पर्मेटोजेनेसिस को देखे थे। यदि आपने नहीं देखे हैं तो उसे देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, एंड स्क्रीन पर वीडियो और आई बटन में लिंक दे दी जाएगी, पहले आप उसे देख लीजिए। देखिए आई बटन में आ गए होंगे। तो चलिए आज प्रारंभ करते हैं, लेकिन प्रारंभ करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपके अध्ययन इसी तरह से चलती रहे। नहीं तो आज हम लोग जो अध्ययन करने वाले हैं, आज मेनली हम लोग स्पर्म के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? स्पर्म, शुक्राणु के बारे में। सबसे पहले शुक्राणु, शुक्राणी हो गया जी, शुक्राणु, शुक्राणु के बारे में जानेंगे। और मेनली शुक्राणु के बारे में क्या क्या जानेंगे आज देख लीजिए। सबसे पहले तो जहां से पिछले लेक्चर में छोड़े थे, स्पर्मियोजेनेसिस माना स्पर्मेटिड तो बना लिए थे, स्पर्मेटिड से स्पर्म नहीं बनाए थे। नहीं तो स्पर्मियोजेनेसिस देखेंगे पहले, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, और तीसरा पार्ट जो देखेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इतने चीज को देखना है। इसके अंतर्गत क्या क्या देखेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस इज द मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? जब कोई सिंप्लेक्स बॉडी कॉम्प्लेक्स की ओर जाता है, जब कोई सरल जटिलता की ओर जाता है तो उसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है, खास करके यदि मैं बात कर लूं मतलब क्या कहते हैं लेडी वर्ग की, तो बड़ी सुटेबल एग्जाम्पल होगी वो। उसमें मेटामॉर्फोसिस होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखिए कि यदि उनकी बॉडी, जनरली बॉडी की बात किया जाए तो सिंपल बॉडी है। अब बॉडी को क्या करना है कि मतलब सिंप्लेक्स है, सिंपल बॉडी, उसको कॉम्प्लेक्स की ओर ले जाना है। तो कॉम्प्लेक्स की ओर क्या क्या ले जाएंगे? तो पहले तो रंग पेंट करेंगे, लेपम लेप एकदम क्या करेंगे, ठोरंगा, पाउडर, फिर क्या कहते हैं बिंदी, फिर बाल में उधर कितना कितना क्लिप लगाएंगे। देखो कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बढ़ रहा है। शरीर तो शरीर है, हाथ पैर टांग नाक मुंह कान बाल वगैरह है। अब ये सिंपल को कॉम्प्लेक्स की ओर ले जा रहे हैं। किधर की ओर? कॉम्प्लेक्स की ओर ले जा रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे? मुंह में पहले लेपम लेप करेंगे, इधर करेंगे इधर करेंगे, कपड़ा पहनेंगे, ये नहीं है ये पसंद नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, वो लेंगे ये लेंगे, फिर लेपम लेप वाली बात, फिर गजरा उजरा, फिर एकदम आलता उलता एकदम रंग पेंट करते करते सिंप्लेक्स को किधर की ओर ले गया? कॉम्प्लेक्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। फिर उसको तो वैसा ही आना पड़ता है। अरे किसी पार्टी सार्टी में जा रहे हैं तो 5 घंटा लग रहा है उसको लपम लेप करने में, और फिर उसके बाद जब उसको ले जा रहे हैं किधर की ओर, जब पार्टी सोटी से आ गए तो फिर तो वही बस वही सिंपल के सिंपल। अरे कितना देर तक लेपम लेप चलेगा? ना ना ना। किसी ने पूछा कि क्या कहते हैं कि मतलब पुरुष ज्यादा सुंदर होते हैं कि स्त्री, तो किसी ने जवाब दिया स्त्रियां। तो नहीं, वास्तव में पुरुष सुंदर होते हैं, क्योंकि ये स्त्रियां जो सुंदर होते हैं ये सब ब्यूटिशियन के कमाल हैं कि नए नए बिल्डिंग को, पुराने पुराने बिल्डिंग को भी पेंट उंट करके क्या कर देता है? नया बना देता है। तो दैट मीन्स मेटामॉर्फोसिस। इसको क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्पर्म को स्ट्रक्चरली कितने पार्टों में बांटा गया है। उसके बाद हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन कौन से हार्मोन्स का योगदान है इसको देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस। तो आप भी हेडिंग लगा दीजिए स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड क्या है? स्पर्मेटिड एज ओवल शेप सेल। नहीं तो स्पर्मियोजेनेसिस किसको कहते हैं? तो स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेटो स्पर्मियो स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटिड तक बनाए थे, ग्रोथ के बाद प्राइमरी डिवीजन, प्राइमरी मैच्योरेशन, फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन और सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन पिछले लेक्चर में आप देखिए। यदि पिछला लेक्चर आप नहीं देखें तो ये थोड़ा ऊपर से जा सकता है, नहीं तो थोड़ी बहुत उसको याद कर लीजिए। एस्पर्मेटो, एस्पर्मेटिड से एस्पर्म बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। देखिए स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में क्या होता है, चलिए कुछ चीज हम बोल करके जो लिखा है पिछले लेक्चर में, तो आपको लिखने में कोई परेशानी हुई या आप समझें कि नहीं समझें या लिख पा रहे थे कि नहीं लिख पा रहे थे, तो इसके बारे में इसमें आप निश्चित कमेंट करके बताएंगे कि पिछला लेक्चर में जो भाषा लिखे थे ना वो बोल करके लिखाए थे। यदि आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी तो फिर नेक्स्ट से हम क्या करेंगे, बोल करके लिखाते जाएंगे स्लोली। तो इससे क्या होगा, दो फायदा होने वाले हैं। नहीं, वीडियो फिर रोकना नहीं पड़ेगा मुझे और मेरी मार्कर भी कम खत्म होगी। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रक्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जटिल प्रक्रिया है। इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, बॉडी का कन्वर्शन होता है, बॉडी कन्वर्ट फ्रॉम सिंप्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स। कोई बॉडी जो है वो कन्वर्ट होता है फ्रॉम सिंप्लेक्स, कहां से? सिंपल से, मतलब सरलता से जटिलता की ओर, कॉम्प्लेक्स टू सिंप्लेक्स। दिस प्रोसेस इज नाउन एज, इस तमाम प्रोसेस को, बॉडी कन्वर्ट फ्रॉम सिंप्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स, इज नाउन एज मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या कहते हैं इसको? मेटामॉर्फोसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? एक मेटामॉर्फोसिस है, मेटामॉर्फोसिस है। बॉडी कन्वर्ट फ्रॉम सिंप्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स, तो सिंप्लेक्स कौन हुआ? स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड इज अ सिंप्लेक्स बॉडी, स्पर्म इज द कॉम्प्लेक्स बॉडी। तो क्या कहेंगे, कहां से कहां कन्वर्सन हो रहा है मेटामॉर्फोसिस में? एस पर मेटिड से कहां हो रहा है कन्वर्ट? एस्पर्म बन रहा है, एस्पर्म बन रहा है। तो एस्पर्मेटिड क्या है? सिंप्लेक्स बॉडी, सिंप्लेक्स बॉडी है। और एस्पर्म क्या है? ये एस्पर्म जो है ये कॉम्प्लेक्स बॉडी है, कॉम्प्लेक्स बॉडी। तो कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बॉडी है, कॉम्प्लेक्स बॉडी। कैसे कॉम्प्लेक्स बॉडी है, अब देखते हैं इसमें होता क्या क्या। आप इसको नोट कर लीजिए, स्पर्मेटिड से क्या बनना? स्पर्म बनना, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बॉडी कन्वर्ट फ्रॉम सिंप्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स, दैट मींस मेटामॉर्फोसिस। स्पर्मेटिड सिंप्लेक्स बॉडी, स्पर्म कॉम्प्लेक्स बॉडी। आपको ये बात समझ में आ रही है? तो इसको एक बार आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद नहीं, उसके बाद क्या कहते हैं, उसको मिटा दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलिए मिटा दें इनको, तो मिटा देते हैं। तो स्पर्मेटिड क्या है? स्पर्मेटिड सिंप्लेक्स फॉर्म, सिंप्लेक्स फॉर्म है। देखिए सिंप्लेक्स फॉर्म कैसे है और इसमें होता क्या क्या है वो देखना है। अब ये प्रोसेस क्या क्या बदलता है, तो इधर देखिए स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड, इधर क्या देखते हैं? स्पर्म, स्पर्म। स्पर्मेटिड इधर क्या हो गया? स्पर्म। माने स्ट्रक्चर भी ये हो गया, स्ट्रक्चर भी एक तरह से उसको कह देते हैं। तो स्पर्मेटिड में क्या होता है कि यह एक सेल है, यह एक क्या है? सेल है। इसका क्या है, ये न्यूक्लियस है। इसमें क्या होते हैं? डीएनए एंड आरएनए होते हैं। इसमें क्या होते हैं कि कुछ ऐसे करके जूता चप्पल जैसे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके सेल होते हैं, इसमें ऐसे करके सेल होते हैं, इसमें ऐसे करके सेल होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, यदि ये सेल है तो ऐसे करके चलेगा। यहाँ पर क्या होते हैं, सेंट्रियोल होते हैं। तब इसमें यदि बात करें तो ये क्या है, सेंट्रियोल है। क्या है, सेंट्रियोल। ये क्या है, गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी है। ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। ये क्या है, तो इसके डीएनए क्रोमोजोम क्रोमोजोम है। ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये सारे चीज, ये भी क्या है, सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल। ये सिंप्लेक्स बॉडी है, एक सेल इस तरह से आया है। अब ये स्पर्मेटिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्पर्म में। माने किस प्रोसेस, स्पर्मियोजेनेसिस। माने कौन से, मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस। मतलब ये सिंप्लेक्स बॉडी किस में बदलने जा रहा है, कॉम्प्लेक्स बॉडी में बदलने जा रहा है। तो देखिए क्या क्या होता है। ये स्पर्म है, तो स्पर्म ऐसे करके पहले बना लेते हैं। ऐसे करके चल रहा है ये। ये देखिए, ये कैसे हैं और वो कैसे हैं। यहां पर इसको हम कह सकते हैं, अलग से नहीं बनाएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्मेटिड इधर है, इससे बन रहा है स्पर्म। इसका बॉडी देखिए कैसे है, सिंप्लेक्स। इसका बॉडी देखिए कैसे है, कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है, यहां पर एक न्यूक्लियस हो जाते हैं, ऐसे करके बन जाता है। ये आ जाता है, ओवल शेप न्यूक्लियस आता है। गौर कीजिएगा थोड़ा। अब इसमें क्या करते हैं, अलग कलर का हम प्रयोग करते हैं। अब इसको दोहरा देते हैं ऐसे करके। ठीक, ये हो गया आपका स्पर्म, ये हो गया आपका स्पर्म। स्पर्मेटिड देखिए और इधर आप स्पर्म देखिए। स्पर्म के जो ऊपर देख रहे हैं, इसको इसको अपन एक्रोजोम कहते हैं। नामांकन कर देते हैं इसको, क्या कहते हैं, एक्रोजोम कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसको न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसको कहते हैं प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल कहते हैं। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको डिस्टल, डिस्टल सेंट्रियोल कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसको माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोट्यूब, माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट। यहां पर जो ये आप कलर्ड पार्ट देख रहे हैं, ये कलर्ड पार्ट, ये जो देख रहा है ऐसे 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 करके ये जो दिखाई दे रही है आपको, इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। एक्रोजोम, न्यूक्लियस, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल, यहाँ पर जो निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है इसको क्या कहते हैं? इसका तीर यदि हम यहां से निकाले तो कोई दिक्कत? यहां से ब्लैक कलर ले लेते हैं, ये वाला ये दिखाई दे रहा है। इसका तीर जब थोड़ा हम इधर से निकालें, इधर यहां से निकालें, ठीक। मैक्रोफिलामेंट इधर से चल गया, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट। अब इधर से देखिए इसकी पार्ट कैसे कैसे बांटा गया है। ये जो ऊपर वाला देख रहे हैं यहां से यहां तक आप, इसको हेड कहते हैं। क्या कहते हैं? हेड। यहां से यहां तक जो देख रहे हैं आप इसको नेक कहते हैं। NECK, NECK, नेक कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसको मिडिल पीस कहते हैं। मिडिल पीस, पीस 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 PIECE देख लेते हैं। पीस इसको क्या कहते हैं? मिडिल पीस कहते हैं। PIECE, PIECE, ठीक। इसको मिडिल पीस कहते हैं। ये जो देख रहे हैं इसको हम टेल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको इधर से, इसको इधर से, इसको इधर से, इसको इधर से, तो यहाँ से लेकर के ये जो कहलाया, ये जो कहलाता है ये टेल कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? टेल, या इसको एंड पीस भी कहते हैं। टेल या एंड पीस। तो इस तरह से स्पर्म का स्ट्रक्चर भी हो गया, इस प्रकार स्पर्म का स्ट्रक्चर भी हो गया। फिर हम दोबारा स्पर्म का स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे और आपको समझाते चलेंगे। तो यहां पर देखिए सेंट्रियोल ऊपर और नीचे हैं, तो सेंट्रियोल देखिए यहां पर दोनों एक साथ आ गया, एक हेड में एक नेक रीजन में। उसके बाद यहां पर जो देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, यहां पर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया कैसे कैसे अरेंज हो गया है, और यहां पर देखिए जूता चप्पल के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया है, इसलिए दोनों फिगर एक साथ बनाए हैं। उसके बाद देखिए, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसमें जो होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का फाइबर होता है ऐसे करके, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स देखिए कैसे, इसको माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स देखिए कैसे हैं, इसमें कैसे हैं, और इसमें कैसे एक फिलामेंट के रूप में यहां से यहां तक चला है। कहां से निकलता है ये? तो डिस्टल सेंट्रियोल से निकल रहा है। उसके बाद देखिए कहीं पर इसमें गोल्जी बॉडी है। गोल्जी बॉडी न्यूक्लियस के चारों ओर क्या कर रहा है? ऐसे करके अरेंज कर रहा है। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी कन्वर्ट हो रहा है एक्रोजोम में। गोल्जी बॉडी एक्रोजोम में कन्वर्ट हो रहा है। इसमें देखिए न्यूक्लियस स्फेरिकल शेप है, इसमें देखिए न्यूक्लियस ओवल शेप है, और नीचे से थोड़ा धंसा हुआ प्रतीत हो रहा है। क्या ऐसा आप देख रहे हैं? तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए और देखते हैं स्पर्मियोजेनेसिस में कौन कौन सी घटना होती है, स्पर्मियोजेनेसिस में कौन कौन सी घटना। तो याद रखना, गोल्जी बॉडी से एक्रोजोम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सेंट्रियोल दो भाग में, और उसके बाद क्रोमोजोम, न्यूक्लियस DNA, प्रोक्सिमल, उसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल्स फिलामेंट के रूप में, माइटोकॉन्ड्रिया वो किसके रूप में? वो भी फिलामेंट के रूप में। आप इसको एक बार क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हम दोबारा अब क्या करेंगे, स्पर्म का स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। यदि आपसे स्ट्रक्चर का स्पर्म कहें बनाने के लिए तो फोटो बनाइए और इसके बारे में हम लिखेंगे, लेकिन पहले स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में लिख लेते हैं और फिर स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में लिख लेंगे फटाफट। तो फटाक से इसको क्या कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। चलिए आप इनको नोट कर लिए होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रहने दे रहे हैं, पहले स्पर्मियोजेनेसिस में देखते हैं स्पर्मियोजेनेसिस में क्या क्या होता है, क्या बोल करके लिखा है। तो आज हम लिख रहे हैं, आप आज कमेंट करके बताएंगे क्या बोल करके चलेगा या नहीं चलेगा। मिटाने वाला किधर चल गया, तो फिर उसके बाद इसको बोल करके लिखाएंगे। ठीक, मिटा रहे हैं इनको, उसको रखेंगे। तो स्पर्मियोजेनेसिस आपने फोटो भी देख लिया और अंतर भी देख लिया, इसलिए लग रहा है कि ये सिंपल बॉडी था और ये जटिल बॉडी का प्रतीत हो रहा है, सबका अलग अलग काम है। तो स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में क्या कहता है, स्पर्मियोजेनेसिस आपने तो हेडिंग दे ही रखा था। तो स्पर्मियोजेनेसिस में क्या बताए थे कि यह कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और हाँ देखिए इसमें निम्नलिखित घटनाएं होती है। कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, निम्नलिखित घटनाएं होती है। नंबर एक की जो घटना होगी इसमें, कंट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, कंट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस क्या है कि न्यूक्लियस अपने लिक्विड कंपोनेंट तथा आरएनए को लॉस कर संघनित हो जाते हैं। पहला काम हुआ कंट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या किया, न्यूक्लियस में जो लिक्विड अवयव है, जलीय पदार्थ है, वो क्या करता है कि लॉस हो जाता है, आरएनए भी लॉस हो जाता है, केवल क्या रहता है न्यूक्लियस में, डीएनए रहता है और संघनित हो जाता है। क्लियर, संघनित हो गया, पहला काम। दूसरा काम क्या होता है इसमें, दूसरा काम होता है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम। एक्रोजोम में क्या होता है कि गोल्जी बॉडी अपने लिक्विड अवयव को खो करके क्या हो जाते हैं, न्यूक्लियस के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी अपने लिक्विड कंपोनेंट को लूज कर स्पर्म के हेड पर कैप के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। क्या बताएं, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम। देखिए एक्रोजोम किससे बना है, गोल्जी बॉडी से, यही क्वेश्चन है। स्पर्म का एक्रोजोम, स्पर्मेटिड के गोल्जी बॉडी, ये दो घटनाएं। अब उसके बाद और घटनाएं हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, साइटोप्लाज्मिक सिथ। ठीक, तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, फटाक से नोट करें। मैं मिटा करके और यहाँ पर सारे के सारे चीज को लिखेंगे, इसको भी मिटा देंगे क्योंकि स्पेस की कमी हो रही है। तो फटाक से आप नोट कर लीजिए। चलिए अब आप देख रहे हैं स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में कुछ लिखे हैं। 2 नंबर तक तो आप पहले लिख चुके थे। 3 नंबर में देखिए लिखा हुआ है क्लंपिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का क्लंपिंग मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो वो जूते चप्पल की आकृति में था वो लीनियर अरेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, क्लंप कर रहा है, मतलब तंतुमय हो रहा है, एकदम लंबा हो रहा है। क्या कहता है कि स्पर्मेटिड का माइटोकॉन्ड्रिया संघनित होकर सिंगल लॉन्ग क्वाइल के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, मतलब एकल लंबा और क्वाइल कुंडली जैसे, ये देख रहे हैं ना, कुंडली जैसे क्या हो जाते हैं, ये व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद सेंट्रियोल जो आप स्पर्मेटिड में देख रहे थे, स्पर्मेटिड का सेंट्रियोल लीनियर व्यवस्थित होकर, वहां पर तो पोलर था, एक नीचे और एक ऊपर, यहां पर क्या होता है कि लीनियर व्यवस्थित हो जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दोनों सेंट्रियोल एक जगह पर आ गया है लीनियर। अब यहां पर देखिए न्यूक्लियस के निकट सेंट्रियोल, जो सेंट्रियोल न्यूक्लियस के निकट रहता है उसको प्रोक्सिमल कहते हैं। प्रोक्सिमल का मतलब होता है निकटस्थ, प्रोक्सिमल का मतलब निकटस्थ, और डिस्टल का मतलब होता है दूरस्थ, डिस्टल का मतलब दूरस्थ। तो क्या न्यूक्लियस से दूर सेंट्रियोल का क्या नाम पड़ जाता है, डिस्टल। अब यहां पर देखिए ये क्या करता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स फिलामेंट जो है, ये दिख रहे हैं आप, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स फिलामेंट जो है ये किससे निकला है, डिस्टल सेंट्रियोल से निकलता है, याद रखेंगे डिस्टल सेंट्रियोल से निकलता है। अगला है साइटोप्लाज्मिक सिथ, साइटोप्लाज्मिक सिथ, कोई भी सेल हो तो उसमें साइटोप्लाज्म होता है, उसका लिक्विड पार्ट होता है, तरल पार्ट होता है, तो वो तरल पार्ट तो सेल में होता है। यहां पर क्या हुआ कि स्पर्मेटिड का साइटोप्लाज्म स्पर्म में संघनित होकर फिलामेंट के चारों ओर व्यवस्थित हो गया। यहां पर इसके जो चारों ओर देख रहे हैं, यहां पर हम बना दे रहे हैं यहां पर, ये जो आप देख रहे हैं, ये ब्लैक पेन से ही लिया जाए तो ये जो ऐसे 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 करके देख रहे हैं, ऐसे करके फिलामेंट के चारों ओर ऐसे करके ये तो इसको साइटोप्लाज्मिक सिथ ही कहते हैं। ये बिंदा बिंदा जो दिखाई दे रही है आपको, ये साइटोप्लाज्मिक सिथ है, इसके चारों ओर क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्मिक सिथ। यहां पर हम नाम लिख रहे हैं, आप भी लिख लीजिएगा, साइटोप्लाज्मिक सिथ, SHEATH, साइटोप्लाज्मिक सिथ। ये साइटोप्लाज्म है, थोड़ा संघनित किया, वाटर लूज किया और क्या हो गया, संघनित होकर के फिलामेंट के चारों ओर व्यवस्थित हो गया। तो इतने प्रकार की घटनाएं किसमें होती है, किसमें होती है, स्पर्मियोजेनेसिस में। अब स्ट्रक्चर तो आप देख ही रहे हैं स्पर्म का, तो आप स्ट्रक्चर के बारे में कुछ लिखना है तो आप इनको नोट कर लीजिए और हेडिंग लगा दीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर रहे हैं। और स्ट्रक्चर में क्या होता है कि स्ट्रक्चर में कुछ नहीं होता, स्ट्रक्चर में जो फोटो है इस फोटो को देख करके लिखना है। तो जैसे हेड रीजन में लंबवत लॉन्गिट्यूडिनली स्पर्म को 4 भागों में बांटा गया है, हेड, नेक, मिडिल पीस। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इस पर आते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए आइए, स्ट्रक्चर स्पर्म को लॉन्गिट्यूडिनली माने लंबवत 4 भागों में बांटा गया, पहला हेड, दूसरा नेक, तीसरा मिडिल पीस, चौथा टेल। हेड में देखिए क्या क्या है, न्यूक्लियस है और एक्रोजोम है, और उसके बाद क्या है, सेंट्रियोल को भी कह सकते हैं। नेक में देखिए क्या है, एक डिस्टल सेंट्रियोल है और वहां से क्या रिलीज हो रहा है, फिलामेंटस माइक्रोट्यूब्यूल, माने फिलामेंट माइक्रोट्यूब्यूल। उसके बाद देखिए मिडिल पीस में क्या है, तो मिडिल पीस में याद रखेंगे कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस ऑफ द सेल, स्पर्म के कहां पाए जाते हैं, मिडिल पीस में, माने मध्य भाग में पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। टेल में क्या हो जाता है, तो माइक्रोफिलामेंट होते हैं, माइक्रोफिलामेंट होते हैं, और उसके चारों ओर क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक सिथ होता है, साइटोप्लाज्मिक सिथ होता है। यहां पर छोटा सा एंड पीस आता है जिसमें केवल फिलामेंट होता है, जिसमें केवल फिलामेंट होता है, सबका अलग अलग काम। ये क्या करता है, इसको सुरक्षा प्रदान करता है, इसमें एक एसिड होता है जो वहां पर विटेलाइन मेम्ब्रेन के साथ ये रिएक्शन करता है, एक्रोजोम। ओवम में विटेलाइन मेम्ब्रेन के साथ फर्टिलाइजेशन के दौरान बताएंगे, एक्रोजोम में ये इसमें केमिकल होते हैं, हाइलुरोनिक एसिड ऐसे करके होता है जो एक्रोजोम में वहां पर विटेलाइन मेम्ब्रेन के साथ ये गुपचुप रिएक्शन करता है। ठीक, उसके बाद ये न्यूक्लियस है, यही तो मेन चीज है डीएनए, यही तो मेन चीज है डीएनए। न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए, ये सुधीर चौधरी वाला डीएनए नहीं, डेली न्यूज एनालिसिस, ये डीएनए नहीं, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड एसिड, या न्यूक्लिक एसिड के लिए। फिर प्रोक्सिमल यहां पर देख रहे हैं सेंट्रियोल, ये क्या करता है, ये सेल डिवीजन में मदद करता है। यदि सेंट्रियोल नहीं हो तो कोशिका विभाजन नहीं होगा। फिर देख रहे हैं कि आप डिस्टल क्या करता है कि डिस्टल माइक्रोट्यूबुल्स माइक्रोफिलामेंट का डेवलपमेंट करता है। मिडिल पीस में आप माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते हैं कि ऑक्सीडेशन होता है इसमें और यही ऊर्जा गृह कहलाता है। जब तक ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का नहीं होगा तब तक एनर्जी नहीं मिलेगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस में पाए जाते हैं। टेल क्या करता है, टेल तो आप इससे पहले लिखाए थे कि मेल स्पर्म जो है, मेल स्पर्म जो है, मेल गेमीट, वो गतिशील होता है, चलमान होता है, तो गति करने में क्या करता है कि ये टेल इसको मदद करता है। कल्पना करो कि यदि मछली में पीछे वाला पैडल ना हो तो क्या मछली तैर पाएगी, नहीं तैर पाएगी। तो ये क्या करता है कि सीमेन में, मतलब सीमेन एक लिक्विड है जो पहले भी पढ़ा चुके हैं, वो फ्लूइड है, उस फ्लूइड में क्या करता है ये टेल, ये तैरने का में मदद करता है माइटोकॉन्ड्रिया को, तब जाकर के ये जाता है वहां पर क्या करता है, टकरा जाता है। आई बात समझ में? तो एक बार इस फोटो बना लीजिए और इसके बारे में हम क्या करते हैं, लिखते हैं, इसके बारे में लिखते हैं। तो आप इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म हेडिंग देंगे। यदि पहले आप फोटो बना लिए होंगे तो कोई बात नहीं, दोहरा करके फोटो बनाने की आवश्यकता नहीं है, केवल लिखना है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, केवल उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, ठीक। तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए पहले। चलिए देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में कुछ लिखे हैं और यहां पर कुछ एक आध और बात एडिशनली लिखना है जो उसको लास्ट में लिख लेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ये तो फिगर है इनके, और इसी फिगर को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, जिसको डिस्क्रिप्शन कहते हैं, ठीक। कहता है स्पर्म को लॉन्गिट्यूडिनली, मतलब लंबवत, स्पर्म को लॉन्गिट्यूडिनली माने लंबवत 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है? पहला हेड, आप लोग इनको नीचा ऊपर लिखेंगे, दूसरा नेक, तीसरा मिडिल पीस, चौथा टेल जिसको एंड पीस भी कहते हैं, ठीक। अब आइए डिस्क्राइब करते हैं हेड को। किसको डिस्क्राइब करेंगे? इस हेड को डिस्क्राइब करते हैं। तो हेड, स्पर्म के हेड में न्यूक्लियस तथा एक्रोजोम पाए जाते हैं। दो चीज याद रखना, न्यूक्लियस और एक्रोजोम स्पर्म के कहां पाए जाते हैं, हेड में पाए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव, यही तो ऑब्जेक्टिव है। अब उसके बाद देखिए, न्यूक्लियस ओवल स्पिंडल शेप, अंडानुमा है पर स्पिंडल जैसे यहां देखिए धसा हुआ है ना, इसको कहते हैं ओवल स्पिंडल शेप, नहीं इसको ओवल स्पिंडल शेप कहते हैं। तो न्यूक्लियस ओवल स्पिंडल शेप तथा एक्रोजोम न्यूक्लियस के कैप के रूप में रहता है। एक्रोजोम जो रहता है इस केंद्रक के ऊपर किसके रूप में, कैप के रूप में रहता है। आई बात समझ में? आइए दूसरी बात, नेक को देखते हैं। नेक मने गर्दन, ये वाला मार गया, वो गर्दन कहते हैं, समझ आ गया, इसको गर्दन कहते हैं। यह स्पर्म का नेरो पार्ट। अब देखो नेरो पार्ट क्यों कहते हैं, स्पर्म का ही नहीं, नेक जो होता है ना वो सभी जीव का नेरो पार्ट होता है, माने संकीर्ण भाग होता है। जैसे अपन का बॉडी देखो कितना मोटा ताजा है, नहीं इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, यहाँ कितना मोटा है, यहाँ कितना मोटा है, यहाँ कितना मोटा है, अपर यहाँ पर देखिए कितना पार्ट मोटा है, ये नेरो पार्ट, इसी को संकीर्ण भाग कहते हैं। ये अपन का क्या है, संकीर्ण भाग है। बात समझ में आ रही है? तो नेक या स्पर्म का क्या है, नेरो पार्ट, मतलब संकीर्ण भाग है, जिसमें सेंट्रियोल पाए जाते हैं। सेंट्रियोल माने दोनों सेंट्रियोल, कौन कौन, प्रोक्सिमल एंड डिस्टल, दोनों सेंट्रियोल, ठीक, सेंट्रियोल पाए जाते हैं। देखिए सेंट्रियोल मतलब सेंट्रियोल का काम क्या है, सेंट्रियोल फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट विभाजन में भाग लेता है। यदि सेंट्रियोल नहीं होगा तो विभाजन नहीं होगा, क्लियर। उसके बाद क्या कहता है कि डिस्टल सेंट्रियोल से एक्सियल फिलामेंट, जिसको माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट कहते हैं, ये लंबवत फिलामेंट जो है अक्षीय फिलामेंट, एक्सियल फिलामेंट निकलता है जो टेल तक विकसित रहती है। जो कहां तक फैले रहते हैं, टेल तक, माने पुछ तक, नंगड़ी तक विकसित रहते हैं। नोट में देखिए कुछ बातें लिखे हैं, कहां पर, नोट में, फीमेल के ओभम माने अंडाणु में, फीमेल के ओभम बोले तो अंडाणु में सेंट्रियोल नहीं पाए जाते हैं। और याद रखना, जब सेल में सेंट्रियोल नहीं होगा तो सेल का विभाजन नहीं होगा। आई बात समझ में? तो इनको फटाक से आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए फटाक से। अब बचा है, लिखे हैं हेड, लिखे हैं टेल, लिखे हैं और सॉरी नेक लिखे हैं, मिडिल पीस और टेल के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। फटाक से इनको नोट कर लीजिए, डिस्क्राइब कर लेते हैं फिर आपको दिखा देंगे। चलिए देख रहे हैं, कुछ डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। मिडिल पीस है, क्या कहता है, स्पर्म के मिडिल पीस में, स्पर्म के मिडिल पीस में संघनित लॉन्ग क्वाइल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, संघनित लॉन्ग माने लंबा, क्वाइल्ड माने मुड़ा हुआ, कुंडलीनुमा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। यहां पर जनरल बात लिखी हुई है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस या ऊर्जागृह कहा जाता है, तो इसका मतलब स्पर्म का भी ऊर्जागृह कौन होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। मिडल पीस खल्लास टेल, कुछ चीज लिखें और कुछ चीज बोल करके लिखाएंगे, ठीक। मार्कर खत्म हो गया। टेल, यह स्पर्म का लास्ट पार्ट है, अंतिम भाग है ये, जिसमें एक्सियल फिलामेंट तथा साइटोप्लाज्मिक शीथ, जैसा कि आप देख रहे हैं, साइटोप्लाज्मिक शीथ, एक्सियल फिलामेंट पाए जाते हैं। अब यहां पर रखेंगे, याद रखेंगे, यहां पर टेल में फिलामेंट जो है एक तंतुनुमा है, रेसानुमा है, तो फिलामेंट में टेल में एक्सियल फिलामेंट का विन्यास 9+2 में होता है। अब ये 9+2 विन्यास कैसे है? जैसे मैं रेसे की बात करूं तो देखिए, इसकी ये एक रेसा है, ये एक रेसा है, ऐसे ऐसे ढेर सारे रेसा है, तो कितने रेसा हैं? तो जैसे मान लिया जाए यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रेसा है। तो इसमें क्या होता है कि 9+2 का मतलब हुआ कि 9 गो एक साथ और 2 गो अलग अलग, माने क्या 9 गो इसी में होगा, 9 गो एक साथ लगबे नहीं करेगा कि है इसमें, और 2 गो अलग अलग। इसी को कहते हैं 9+2। ये 11 गो है ना रेसा, सब एक ही जगह से ऐसे करके 11 गो निकला हुआ है, जिसमें से 9 गो एक साथ और 2 गो एक साथ, तो 9+2 में अरेंज रहता है, ठीक। ये टेल के बाद लिखे हैं, तो नीचे आप नोट डालिए और 1 नंबर 2 नंबर करके लिखते जाइए, स्ट्रक्चर में ही है। नोट लिखिए यहां पर, आप पहले इकट्ठे एक बार क्या कर दीजिए, नोट लिख दीजिए। नोट लिख दिए, अब इनके 1 नंबर में लिखिए, 1 नंबर में नोट, नोट नंबर 1 लिख रहे हैं, तैयार हैं? चलिए सुनिए, अस्थिर से बोल रहा हूं, सुनते जाइए। टेल स्पर्म को सीमेन में तैरने में मदद करता है, अर्थात स्पर्म टेल के कारण ही मोटाइल, कोष्ट में लिखेंगे गतिशील होते हैं। बात आई समझ में? यदि टेल नहीं हुआ, नंगड़कट्टा स्पर्म जो है उसमें गति ही नहीं होगा, वो आगे पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो टेल क्या करता है? स्पर्म में, सीमेन में स्पर्म को तैरने में मदद करता है, मतलब टेल के कारण ही स्पर्म क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। नंबर 1। नंबर 2, नोट नंबर 2, संरचनात्मक दृष्टिकोण से, संरचनात्मक दृष्टिकोण से, संरचनात्मक दृष्टिकोण से स्पर्म मेढक के टेडफोल लार्वा, मेढक के टेडफोल लार्वा, मेढक के टेडफोल लार्वा स्पर्म संरचनात्मक दृष्टिकोण से मेढक के टेडपोल लार्वा के समान होते हैं, मेढक के टेडपोल लार्वा के समान होते हैं। नोट कर लिए, मेढक के टेडपोल लार्वा के समान होते हैं, नोट कर लिया। तीसरा नोट, तीसरा नोट, नोट नंबर 3, टेल युक्त स्पर्म, टेल युक्त स्पर्म ही ही ओभम तक पहुंच पाता है। नोट नंबर अगला, इजेकुलेशन, EJACULATION, इजेकुलेशन से इजेकुलेशन से 28 से 48 घंटा तक 28 से 48 घंटा तक स्पर्म फर्टिलाइजेशन के लिए जीवित रहता है, फर्टिलाइजेशन के लिए जीवित रहता है। आई बात समझ में? नोट कर लिए हैं? तो चलिए, जब आप नोट कर लिए हैं, ये बात तो लिखा दिए थे कि स्पर्म की जो गतिशीलता होती है 1.5 से 3 mm पर मिनट होता है, 1.5 से 3 mm। यदि याद ना हो तो लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए एक बार। अगला नोट, स्पर्म की गतिशीलता डेढ़ से तीन माने 1.5 से 3 mm प्रति मिनट होता है। लिख लिए? तो ये रही स्पर्म के स्ट्रक्चर संबंधित बात। अब देखते हैं हार्मोनल कंट्रोल, कौन कौन से हार्मोन्स इसको बचाने में मदद करता, तो उसको रेड डायग्राम से ही आपको बता दिया जाएगा। तो नोट कर लिए हैं तो एक बार नोट कर लीजिए इसको, और इसको इरेज करते हैं और हार्मोनल कंट्रोल पर चर्चा करते हैं लास्ट पार्ट इसका। फिर उसके बाद ओजेनेसिस होगी, मिटा दें। चलिए, हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल, बोले हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। पहले देखिए हार्मोन कौन कौन है, FSH, दूसरा नंबर में LH, GnRH, उसके बाद एंड्रोजेन तीसरा नंबर, चौथा नंबर होगा एंड्रोजेंस, कोष्ट में लिख लीजिए, टेस्टोस्टेरोन। कहीं पर एंड्रोजेन लिखा हुआ मिले, कहीं पर टेस्टोस्टेरोन लिखा हुआ मिले, तो दोनों एक ही चीज है। एंड टेस्टोस्टेरोन जो है एक प्रकार के एंड्रोजन है, ये कहां से स्रावित, पहले भी बताएं, FSH पिट्यूटरी ग्लैंड से, LH पिट्यूटरी ग्लैंड से, GnRH हाइपोथैलेमस ग्लैंड से, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस के लेडिग सेल से, याद कीजिए टेस्टिस को, टेस्टिस के लेडिग सेल से। तो यहां पर टेस्टिस वाली कहानी देखना अनिवार्य है, तो आप टेस्टिस को निश्चित देखिए, डिस्क्रिप्शन में टेस्टिस करके लिंक मिल जाएगी और आई बटन में भी आपको दे दिए जाएंगे, ठीक, या एंड स्क्रीन पर वीडियो मिल जाएगी। तो टेस्टिस से एंड्रोजेन स्रावित होता है। तो इतने हार्मोन्स मिलकर के क्या करता है, कंट्रोल करता है, इतने हार्मोन्स मिलकर के कंट्रोल करता है। अब ये कंट्रोल करता कैसे है, तो आप इसको भाषा में लिख लीजिए, मैं लिखा रहा हूं, आप इसको भाषा में स्थिर से। और भाषा में कोई प्रॉब्लम हो सुन करके लिखने में, तो अब आप क्या करेंगे कि कमेंट करके बताएंगे, तो अगले रोज से भाषा बोल करके लिखाना छोड़ देंगे और आपको क्या करेंगे हम वैसे बोर्ड पर लिख ही देंगे। तो चलिए तो दे दिए हार्मोनल कंट्रोल, तो लिखिए हाइपोथैलेमस ग्लैंड, इससे पहले भी लिखा है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड से, हाइपोथैलेमस ग्लैंड से GnRH, कोष्ट में फुल फॉर्म लिख लीजिए इसका, गोनाइडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स, गोनाइडोट्रोपिक, गोनाइडो GN माने गोनाडोट्रोपिक, आर माने रिलीजिंग, रिलीजिंग, एच माने हार्मोन्स, हार्मोन। तो क्या लिखे हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड से GrH स्रावित होता है जो जो पिट्यूटरी ग्लैंड के, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटेरियर लोब, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटेरियर, एंटेरियर लोब से, लोब से FSH तथा LH के स्राव को उत्तेजित करता है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड से GrH स्रावित होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटेरियर लोब से FSH तथा LH स्रावित होने को क्या करता है, उत्तेजित करता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में FSH सेर्टोली सेल, सेर्टोली, सेर्टोली, सेर्टोली सेल से, सेर्टोली सेल से एंड्रोजेंस, एंड्रोजेंस, कोष्ट में क्या लिखेंगे टेस्टोस्टेरॉन, एंड्रोजेंस के स्राव को, के स्राव को, स्राव को उत्तेजित करता है, उत्तेजित करता है, जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। लिख लिए, नीचे नोट में लिखेंगे बस हार्मोनल कंट्रोल खत्म, नीचे नोट में लिखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस एवं 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 लैंगिक गुणों के विकास, एवं लैंगिक गुणों के विकास के लिए, एवं लैंगिक गुणों के विकास के लिए एंड्रोजेन, कोष्ट में टेस्टोस्टेरोन, के लिए एंड्रोजेन, कोष्ट में टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन आवश्यक है, आवश्यक है। स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ साथ लैंगिक विकास, जैसे ये केवल किसमें, पुरुष में होता है, पुरुष में ये क्या करता है कि मूंछें उगना, दाढ़ी उगना, कंधे का चौड़ा होना, नहीं और क्या कहते हैं स्पर्म का बनना, सेक्सुअल एक्टिविटी होना, नाइट फॉलिंग होना इत्यादि वगैरह के लिए कौन उत्तरदायी है? एंड्रोजेन हॉर्मोन्स। ठीक, तो नीचे लिखेंगे नोट में लिख लीजिए फिर एंड्रोजेन कोष्ठ में टेस्टेरोस्टेरोन। अब बात में बताएंगे दोनों में अंतर क्या है, दोनों अलग अलग चीज है पर दोनों एक ही चीज है। नोट में लिखे एंड्रोजेन तथा कोष्ठ में टेस्टेरोस्टेरोन मेल सेक्स हॉर्मोन्स, नर लैंगिक हॉर्मोन, मेल सेक्स हॉर्मोन माने नर लैंगिक हॉर्मोन है, नर लैंगिक हॉर्मोन है। लिख लिया नोटबंद। अब लिखना उठना नहीं है। देखो बता रहे कभी कभी क्या होता है कि ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है फीमेल में भी स्रावित होने लगता है। वाह जी कमाल की बात करते, नहीं फीमेल में भी स्रावित होने लगते हैं। तो फीमेल में जब ये टेस्टोस्टेरोन स्रावित होगा तो ये मेलनेस को प्रमोट करेगा, माने है नारी या नारी में कौन सा गुण आने लगेगा? पुरुष वाला गुण आने लगेगा। तो पहले महिला में पुरुष वाला गुण जो आएगा तो पहले महिला को दाढ़ी आने लगता है। तो किसी किसी स्त्री को आप देखे होंगे उसको छोटा छोटा मूछे भी होते हैं। हाँ, उसको छोटा छोटा मूछ होते हैं, वो किस हार्मोन्स के कारण? टेस्टोस्टेरोन। और जब ये थोड़ी अंशतः निकलता है तब छोटी छोटी मूछे होते हैं। नहीं तो उसको क्या करता है, आजकल ब्यूटी पार्लर में जाता है इसको उखड़वा लेता है एकदम, आप उस करके मोछतों से उखाड़ लेता है। पर वो कितना दिन उखाड़ ले रहिएगा ना, वो तो वह करेगा। टेस्टोस्टेरोन की जब मात्रा बढ़ जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है तो फीमेलनेस डाउनफॉल में चल जाता है और मेलनेस आने लगते हैं। तो उसको ज्यादा से ज्यादा दाढ़ी मूछें आने लगते हैं। तो फीमेल हॉर्मोन्स एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्ट्रोजेन इत्यादि के कारण उसमें फीमेल वाली भी कैरेक्टेरिया है, मतलब मेमोरी ग्लैंड भी इनलार्जमेंट है, मतलब वेजिनल पैसेज भी है और मूछे दाढ़ी भी है और फॉलिकुल भी स्टिमुलेटिंग हो रही है और इतना चीज। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब मेलनेस फीमेल में प्रमोट हो जाता है और फीमेलनेस मेल में प्रमोट हो जाता है, दिस कंडीशन इज नाउन एज स्टेराइल। उसी को क्या कहते हैं? स्टेराइल कहते हैं। स्टेराइल का माने हिजड़ा जिसको कहते हैं। नहीं ऐसे करके ताली बजाएगा इसके, ऐसे करके। उसी को क्या कहते हैं? फीमेलनेस भी कैरेक्टर है और मेलनेस का भी कैरेक्टर है, फीमेलनेस का भी कैरेक्टर है, मेलनेस का भी कैरेक्टर है किसी किसी मेल में। ये तो फीमेल में एंड्रोजेन स्रावित हो गया तो उसमें मेलनेस प्रमोट कर दिया, तो फीमेल वाला हिजड़ापन। किसी किसी मेल में टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? स्रावित होवे नहीं करता है, तो पुरुष है पर पेनिस का डेवलपमेंट ही नहीं होता है, मेल है पर पेनिस का डेवलपमेंट ही नहीं होता है, वो भी कहलाता है स्टेराइल। किन्नर जिसको हिजड़ा कहते हैं वो भी उसी कैटेगरी में। तो मेल में कम हो गया तो मेल वाला हिजड़ा। अब फीमेल में जब ये टेस्टोस्टेरोन आ गया तो कम आंशिक मात्रा में आया तो उसमें मतलब स्टेराइल नहीं आता, आंशिक मात्रा में आया तो थोड़ा सा मूछे दाढ़ी आएगा पर फीमेल के फीमेले रहेंगे। अब थोड़ा ज्यादा मात्रा में जब हो गया तब क्या हो जाएगा? तब वो हो जाएगा एकदम ला इत्यादि। बात समझ में आई? अब यहां पर आप एक नोट में लिख लेंगे, नोट में लिख लीजिए टेस्टोस्टेरोन एक प्रकार के एंड्रोजेन ही है, एंड्रोजेन ही है, एंड्रोजेन ही है। अब आपको देखिए कभी कभी कहते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन सी हार्मोन्स काम करता है? एंड्रोजेन भी है और टेस्टोस्टेरोन। ऐसा गलती तो करेगा नहीं। यदि गलती कर दिया कि एंड्रोजेन भी ऑप्शन में दे दिया, टेस्टोस्टेरोन भी ऑप्शन में दे दिया, तो आप किसमें मारिएगा टिक? टेस्टोस्टेरोन में। ऐसा गलती कभी करेगा नहीं। यदि गलती कर दिया और एक के दो उत्तर सही हो रहा है तो आप किसमें मारिएगा? टेस्टोस्टेरोन में। जब एक से अधिक सही है तब दोनों में मारिएगा, एंड्रोजेन में भी और टेस्टोस्टेरोन में। एंड्रोजेन जो है वो बहुत बड़ा परिवार है, माने मेल सेक्स हार्मोन्स का एक बहुत बड़ा खानदान है और उसी का एक भाइवा कौन है? टेस्टोस्टेरोन। तो तो बात आई समझ में, तो आप इनको नोट कर लिए हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलेंगे। इन्हीं के साथ हम आपसे लेना चाहेंगे विदा, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। घरे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।